नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माइक विद स्कूल बेस्ट यूट्यूब चैनल फॉर स्टॉक मार्केट बिजनेस। दोस्तों आज के दिन थर्सडे है, आज एक्सपायरी है। आज देखेंगे एक्सपायरी के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी कैसे मूवमेंट कर सकते हैं। दोस्तों अगर कल की बात की जाए तो कल निफ्टी फ्लैट क्लोज हुआ था, यानी -8 पॉइंट्स -100 पॉइंट्स तक गया था निफ्टी कल के दिन इंट्राडे में। अगर जिन्होंने भी इंट्राडे पोजीशंस ली होगी, मार्केट ओपन होते पुट ऑप्शन लिया होगा, उनका प्रॉफिट हुआ होगा कल इंट्राडे में। नीचे से रिकवर किया है मार्केट ने और जाके फ्लैट क्लोज हुआ है। कल के दिन बैंक निफ्टी ज़्यादा उठा था, बैंक निफ्टी ओपन होते ही बहुत ज़्यादा फॉल आ गया था, 36,500 तक। देन उसके बाद एक रिकवरी आई और 400 पॉइंट्स प्लस में जाके क्लोज हुआ बैंक निफ्टी भी। कल बैंकिंग स्टॉक्स ने निफ्टी को भी लिफ्ट किया है 100 पॉइंट से ऊपर, पर ये सस्टेनेबल नहीं है। निफ्टी का अगर देखा जाए तो कल भी कंसिस्टेंटली 3 रेड कैंडल्स बन चुके हैं। मैंने आपको जैसा बताया था 17,450, ये जो रेजिस्टेंस है इसको पार करना मुश्किल रहेगा। ये SL लगा के आप शॉर्ट कर सकते हो, तो आज के दिन भी आप शॉर्ट कर सकते हो इंट्राडे पर्सपेक्टिव से भी, और अगले हफ्ते के लिए भी शॉर्ट करके पोजीशन होल्ड कर सकते हो। टारगेट वही रहेगा 17,300-17,250 तक निफ्टी आ सकता है नीचे में, ठीक है दोस्तों। 100-150 पॉइंट्स का और फॉल आ सकता है, कल 100 पॉइंट्स का फॉल आके फिर रिकवर हो गया था, पर भी वहाँ तक 250 तक जा सकता है। उसके नीचे भी क्लोजिंग आएगी तो और वीक हो सकता है, 17,000 तक भी आ सकता है निफ्टी। तो दोस्तों निफ्टी में शॉर्ट करने की राय रहेगी, कोई भी लॉन्ग पोजिशंस बनाने की यहाँ पर कोई राय नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पर मार्केट रेजिस्टेंस लेवल पे है और ये क्रॉस नहीं कर पा रहा है। जब भी 450 क्रॉस करेगा 17,450, उसके बाद ही कॉल ऑप्शन या फिर लॉन्ग पोजिशन बनेगी निफ्टी में, अदरवाइज वहाँ से शॉर्ट पोजिशन से आपको लेनी चाहिए। अगर हम US मार्केट से देखा जाए तो डाउ, निकी, चाइना मार्केट सारे डाउन ही हैं, ठीक है, और होपफुली आज भी निफ्टी में आपको डाउनफॉल देखने मिल जाएगा 100-150 पॉइंट्स तक, 1% तक गिर सकता है निफ्टी। अभी हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। दोस्तों ये बैंक निफ्टी का डेली कैंडलस्टिक चार्ट है। कल के दिन अगर देखे जाए तो 36,768 में जाके क्लोज हुआ है, ठीक है। अगर लो देखे तो 36,250 तक लो था कल के दिन, तो बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस लेवल पे ये बैंक निफ्टी भी, तो यहाँ से बैंक निफ्टी में शॉर्ट करनी चाहिए, ठीक है। कल 300 पॉइंट उठा था, यहाँ से भी शॉर्ट पोजीशंस बनते हैं। यहाँ पर आपको ओपन होते हैं, या अगर आपको फ्लैट ओपनिंग है फिर 100 पॉइंट्स ऊपर में ओपन होता है आज के दिन, तो आपको बेस्ट पोजीशन रहेगा, वहाँ पर शॉर्ट कर सकते हो बैंक निफ्टी को। टारगेट्स रहेगा 36,500-36,300 तक, इतने लेवल्स तक बैंक निफ्टी नीचे जा सकता है। तो दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में शॉर्ट पोजीशन की राय रहेगी। अगर हम ग्लोबल ट्रेंड देखें तो वो भी वीक नहीं बोल सकते, साइडवेज में है और मोस्टली साइडवेज टू डाउन साइड है, ठीक है। तो नीचे की तरफ मार्केट आ सकता है, अभी एक हेल्दी करेक्शन आ सकती है निफ्टी में 150-200 पॉइंट्स तक, और बैंक निफ्टी में 500-600 पॉइंट्स तक डाउनफॉल आ सकता है, ठीक है। अगर वो भी सस्टेन नहीं कर पाएगा तो फिर और डाउनफॉल मेजर आ सकता है, तो तभी आपको अपडेट कर दिया जाएगा वीडियो के थ्रू, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, थैंक यू। दोस्तों अगर आपको स्टॉक मार्केट को इन डिटेल में समझना है तो माई इक्विटी स्कूल की तरफ से 16 टाइप्स के बेसिक टू एडवांस स्टॉक मार्केट एंड इन्वेस्टमेंट कोर्सेज को डिज़ाइन किया गया है, जो कि बिल्कुल फ्री है। और दोस्तों एवरी संडे को जूम वेबिनार में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में अटेंड करने मिलेगा। अगर आप इन कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और भी टेक्निकल वीडियोस के लिए आप बने रहे हमारे YouTube चैनल माई इक्विटी स्कूल के साथ। और दोस्तों लाइक शेयर कमेंट करना भी ना भूलें, थैंक यू।